एकाग्र होकर ज्योति स्वरूप भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा बनकर शिव बाबा से ज्ञान सूर्य की तरह शक्तियां इकट्ठा कर हमें दूसरी आत्माओं को देनी है जो आज युद्ध के मैदान में तड़प रही है, बाबा को पुकार रही है, हमारी हेल्प करो, हमें इन दुखों से बचाओ।
मधुबन आवाज अनम्यूट करें। ओम शांति। अभी हम यूज क्षेत्र में जो भी आत्माएं दुख से तड़पी है अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा उन सभी आत्माओं को सुख शांति का दान देंगे। इससे पहले स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्मृति में फरिश्ता स्वरूप में कि मैं फरिश्ता अपने आप को देखें, मैं फरिश्ता इस धरा पर अवतरित हुआ हूं अपने लाइट के शरीर को देखें कि मैं शांति का फरिश्ता मेरे पास असीम शांति है असीम पवित्रता है। मैं फरिश्ता ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे आवाज थोड़ी और ऊंची की। मैं फरिश्ता ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ अपने आप को देखे कि मुझ फरिश्ते पर प्यारे शिव बाबा से निरंतर शांति की किरणें पड़ रही है और यह शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। और मैं फरिश्ता उन सभी आत्माओं को सुख शांति का वाइब्रेशन देने के लिए उड़ चला आकाश की ओर। मैं शिव बाबा से कंबाइन हूं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूं देखे अपने आप को मैं शांति का फरिश्ता पहुंच गया उस युद्ध स्थल में उस दिशा में अपने आप को स्थित करें और चारों ओर दुख अशांति का वातावरण है। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शांति की किरणें मेरे फरिश्ते स्वरूप पर आ रही है। मैं लाइट के शरीर में हूं और ये शांति की किरणें निरंतर एक झरने की तरह
प्रकाश पुंज की भांति चारों ओर फैल रही है। और सभी आत्माएं मुझ फरिश्ते को महसूस कर रही हैं कि ये परमपिता परमात्मा का मैसेंजर है। और उन सभी आत्माओं को शांति की किरणें महसूस हो रही है। इमर्ज करें उन सभी आत्माओं को कि सभी आत्माएं जो सुख शांति मांग रही है, जो परमात्मा का सहारा ढूंढ रही है, जो गॉड को पुकार रही है, उन सभी आत्माओं को ये शांति की किरणें महसूस हो रही है और एक झरने की भांति चारों ओर फैल रही है। और इन सभी वाइब्रेशन को पाकर सभी आत्माएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उनको महसूस हो रहा है कि मुझ आत्मा को परमात्मा का सहारा मिल रहा है। शांति की अनुभूति कर रही है। और उनके मन से डर दूर हो रहा है। तनाव भाग रहा है। और मैं फरिश्ता निरंतर शांति के वाइब्रेशन उन आत्माओं को दे रहा हूं। 2 सेकंड के लिए इस सीन को आप इमर्ज करें, अपने मन को एकाग्र करें, महसूस करते जाएं कि शांति की किरणें पूरे देश पर, वो सभी आत्माएं जो दुख अशांति की महसूसता कर रही है, उन सभी आत्माओं के लिए यह शांति का ओरा फील हो रहा है। और यह शांति की वाइब्रेशन उन सभी आत्माओं को एक आशा की किरण नजर आ रही है। और इस शांति की किरणें पाकर उनका मन शांत हो रहा है। सभी की आत्मा शक्तिशाली बन रही है। और मुझ फरिश्ते स्वरूप के द्वारा
उन सभी आत्माओं को परमात्मा की पहचान भी मिल रही है। उनको शांति के पिता परमात्मा की पहचान मिल चुकी है। शांति की शक्ति समाती जा रही है उन सभी आत्माओं की। सभी का धीरज बढ़ रहा है। चारों ओर उस युद्ध स्थल का वातावरण बदल रहा है। सबके विचार शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। और चारों ओर का वातावरण भी बदल रहा है। मैं फरिश्ता अपने स्वरूप द्वारा प्यारे शिव बाबा से कंबाइंड होकर निरंतर चारों ओर शांति के परकंपन फैला रहा हूं। अपने स्वरूप को देखते जाएं। और अब मैं फरिश्ता अपने मैसेंजर के कार्य को पूरा कर चलता हूं वापिस अपने उस पांच तत्वों के बने हुए शरीर। अपने आप को देखें कि मैं फरिश्ता, मैं मैसेंजर, अपना ये कार्य पूरा कर वापिस आ रहा हूं। अपने इस पांच तत्वों के बने हुए शरीर में ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी शिव बाबा से करुणामयी दृष्टि लेकर दया की दृष्टि लेकर आवाज नहीं आ रही है भाई जी, आवाज नहीं आ रही है।
अभी हम सब होली हंस बनकर खुले आकाश में उड़ते हुए सागर की ऊंचाइयों को पार करते हुए धीरे धीरे उस क्षेत्र में चल रहे हैं जहां शांति की आवश्यकता है, जहां दया बाबा को साथ लेकर हम सब फरिश्ते एक एक आत्मा के पास चक्कर लगा रहे हैं, जो घायल हैं, उनको दृष्टि से साकाश देकर उनको शक्ति दे रहे हैं। उनके दर्द को दूर कर रहे हैं। कितनी ही आत्माएं घायल हुई पड़ी हैं। हम सब फरिश्ते उनको अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। आत्माओं, ये समय है अपने सच्चे पिता को याद करने का। वो दया का सागर आपको शक्तियां दे रहा है, आपके दुखों का हरण कर रहा है, आपके कष्टों को मिटा रहा है। और शक्तिशाली दया की किरणें इन सब पेशेंट पर पड़ रही है। और उनके कष्ट दूर बाप दादा दयामयी दृष्टि से सर्व को वरदान दे रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य का वरदान दे रहे हैं। भयभीत आत्माओं को शक्ति दे रहे हैं। तनाव से ग्रसित आत्माओं को शांत कर रहे हैं। हम सब फरिश्तों के नैनों से शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर एक एक आत्मा पर पड़ रही है। उनके उदास चेहरे, मायूस चेहरे, हमारी ओर देख रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, दुखों से छुटकारा मांग रहे हैं, कष्टों का निवारण मांग रहे हैं।
और हम सब मिलकर शक्तिशाली दृष्टि से उनके कष्टों का निवारण करें। चारों ओर शक्तियां फैल रही है, हाहाकार से शांत वातावरण हो रहा है। कष्टों को भूल कर वो बाबा से वरदान ले रहे हैं। और हम फरिश्ते सबको शांत कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सबको संतुष्ट कर बाबा के साथ एक रक्षा कवच बनाकर उन आत्माओं का शांति का वरदान देकर दया की दृष्टि डालते हुए वापिस अपने कर्म क्षेत्र की ओर चल रहे हैं। बाबा अपने सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं और हम अपने इस देह के कुटिया में वापिस